मुगलकालीन 400 वर्ष पुराने कब्रिस्तान में बड़ा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ आधी रात को जो हुआ वो किसी ने नहीं देखा, लेकिन जो भी था वो बेहद ही दहशत भरा हुआ था, क्योंकि कब्र में दफनाया गया सब गायब हो गया। कब्र के चारों ओर मिट्टी बिखरी पड़ी थी, कफन का कपड़ा भी पास पड़ा हुआ था। परिजनों ने जब सुबह यह नजारा देखा तो उनके होश उड़ गए। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। आइए और भी जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता आगरा से जुड़े हुए हैं। ताज मोहम्मद जी, क्या मामला हुआ था? सर मैं मौके पर हूँ, यहाँ जो है कब्रिस्तान में बच्चे जो गायब होने की सोशल मीडिया पर काफी दिनों से खबर फैल रही है। जी, इसमें से जो रात को बच्चे दफन करके गए थे, सुबह आके घर वाले जब उसको फूल चढ़ाने आए थे तो मौके पर बच्चे की बॉडी नहीं मिली। जी, कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर वहाँ पे जो पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर नहीं पहुँची। जी, और क्या मामला हुआ था पूरा, यानी कब दफनाई गई थी ये? कब दफनाया गया था इस बॉडी को? जी सर, संडे की रात को दफनाया गया था, सुबह मंडे को जब आए थे तो बॉडी नहीं मिली थी। जी, सर क्या आसपास के लोगों कैसा माहौल है? आसपास का माहौल है सर, यहाँ पब्लिक बहुत है, पर यहाँ इस पर कोई अभी बच्चे का कोई पता नहीं पड़ा है सर। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए ताज मोहम्मद जी। अभी हम अब्दुल आला की दरगाह कब्रिस्तान में पहुंचे, मौके पर वारदात हुई। दो दिन पहले बच्चे गायब होने की सूचना मिलते ही मौके पर दरगाह पर पहुंचे। आइए जानते हैं हम गुलफाम जी से क्या वारदात थी, कब की घटना थी। ये 3 दिन का हुआ इस घटना को, यहाँ आए दिन की घटना ऐसी होती रहती है। जो कुत्ते हैं ना, यहाँ पर चारों तरफ बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री होने की वजह से कुत्ते जो है कब्रों में से लाशों को गायब करके ले जाते हैं, और कई घटनाएं ऐसी हैं और कई कब्रें ऐसी हैं जिसमें बच्चे नहीं हैं। आए दिन ऐसी हरकतें होती रहती हैं, पुलिस को भी खबर देते हैं, पुलिस तत्काल में आती भी है, इसकी इंक्वायरी कई बार दे चुके हैं पुलिस। वारदात पहले भी कभी हो चुकी है या पहली बार हुई है? नहीं, काफ़ी बार हो चुकी है, कई बार हो चुकी है। कितनी बार, अभी 8-10 दिन पहले भी हम लोगों ने एक कब्र में से गर्दन ले गया था कुत्ता निकाल कर, तो उसमें से हमने जो है फिर उसको गोरकन को बुलाया और फिर उसको वहाँ से उठवा के दफन करवाया। पुलिस प्रशासन ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है? पुलिस प्रशासन तो आता है और अपना काम करता है, ऐसी बात नहीं है। पुलिस प्रशासन से हमें कोई शिकायत नहीं है, पुलिस प्रशासन से बस यही शिकायत है कि मौके पर हमारे पास आ जाए, बस और कोई बात नहीं है। बस यहाँ की बाउंड्री, 2 दिन पहले जो बॉडी गायब हुई है मिली या नहीं अभी तक तो कोई पता नहीं है। बाबा को यहाँ से परसों कल सुबह में गिरफ्तार करवाया है, उसकी अभी कोई सूचना नहीं है। उसके पास प्रूफ निकला या नहीं निकला, उसके बाद कुछ हड्डियाँ निकली थी, वो अघोरी बाबा था और उसके बारे में अभी जानकारी नहीं है, थाने ले गए उसको, अभी बताया नहीं है उसके बारे में क्या। ताज मोहम्मद के साथ कैमरामैन साजिम खान, प्राइम 80 न्यूज़।